दोस्तों, ये जो नवंबर का महीना है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस मंथ में आपको इतने सारे फोन देखने को मिलेंगे भाई, आप परेशान हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, कौन सा फोन खरीदना चाहिए या कौन सा नहीं दोस्तों। और सभी जो फोन होंगे वो 5G के साथ आएंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने कोई भी स्मार्टफोन नहीं खरीदा है और आपका प्लानिंग धीरे धीरे बन रहा है कि भाई हम भी स्मार्टफोन खरीदेंगे, यानी कि हमारा जो बजट होगा, यानी कि आप किस बजट का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, 10 से 15 हज़ार के बीच में या 15 से 20 हज़ार के खरीदना चाहते हैं, तो भाई रुके रहिए, वेट कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर अभी ले लेते तो आपको कोई भी 5G फोन नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर आप एक मंथ नहीं दोस्तों, आपको बस थोड़ा सा 10 से 15 दिन और वेट करना है, उसके बाद दोस्तों इतने सारे फोन लॉन्च होंगे ना कि भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, सच में बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो नवंबर के मंथ में लॉन्च होंगे और काफी ज्यादा लेटेस्ट होंगे। अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार या 10 से 15 हज़ार के बीच में है तो आप जरूर इस फोन को खरीद लेना, यानी परचेज कर लेना। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अभी आप देख रहे हैं टेक रोस्टर भी के। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन से। तो यहाँ पर आता है सबसे पहला स्मार्टफोन रियलमी का X7। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रियलमी ने जो भी अपने रियलमी 7 प्रो में कमियाँ छोड़ी थी वो इस जो है फोन में कंप्लीट कर दे रहा है। इस फोन में आपको 6.4 इंची का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और यहाँ पर आपको 5G के साथ आएगा ये फोन। यहाँ पर आपको प्रोसेसर जो मिलेगा, नया प्रोसेसर मिलेगा MediaTek का Dimensity 800, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा। ये 2 वेरिएंट में आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 65 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। गाइस, जो दूसरा फोन है वो Redmi Note 10 एंड Note 10 Pro है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन को दूसरे नाम से भी लॉन्च किया जा सकता है इंडिया में। दोस्तों Redmi Note 10 Pro आपको MediaTek Dimensity 720 चिपसेट के साथ मिलेगा एंड Redmi Note 10 Pro आपको मिलेगा Snapdragon 750G पर। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। Redmi Note 10 में आपको जो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर Redmi Note 10 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा एंड 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। 4820mAh की बैटरी और दोस्तों यहाँ पर 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको यहाँ पर मिलता है। दोस्तों अगर हम इस फोन की प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस बार जो है Xiaomi वो कुछ अलग कर सकता है, इसकी प्राइस 18,000 और 21,000 के बीच हो सकती है। दोस्तों अगला फ़ोन हमारा है OnePlus Nord 100 4G। दोस्तों जब सभी कंपनियां अपना मिड रेंज फ़ोन लॉन्च कर रही हैं तो भाई OnePlus ने भी भाई कसम खा ली है कि भाई हम भी फ्लेक्सिबल लेवल से अब मिड रेंज लेवल पर आएंगे। इस फ़ोन में दोस्तों आपको 6.59 इंची का HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। दोस्तों स्नैपड्रैगन 460 का आपको यहाँ पर जो है आपको प्रोसेसर मिलेगा। 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 13 MP का ट्रिपल रियर कैमरा और दोस्तों यहाँ पर आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। दोस्तों जो लोग भी OnePlus का फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो भाई वेट कीजिए, आपको नवंबर के एंड तक ये फ़ोन देखने को मिल सकता है इंडिया में। अगला फ़ोन आ रहा है दोस्तों Asus 7 और Asus 7 Pro। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन में आपको जो है बहुत ही कमाल का कैमरा मिलने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको फ्लिप कैमरा मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरे के साथ और यहाँ पर ट्रिपल फ्रंट कैमरे के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लीक्स के मुताबिक दोस्तों दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सेम है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई क्या क्या इन फ़ोन में मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इसके प्रोसेसर में और इसके जो है वेरिएंट में थोड़ा सा फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से इसकी जो प्राइस थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ़ोन है ये इस मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल लेवल के पार जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके प्राइस में आपको 2 से 4,000-5,000 रुपये जो है डिफरेंट देखने को मिल सकता है। जहाँ दोस्तों काफ़ी अल्टीमेट मोबाइल होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये फ़्लिप कैमरा दिया गया है, ये Asus की तरफ से दूसरा फ़्लिप कैमरे वाला फ़ोन होगा। क्योंकि दोस्तों Asus जो 6 था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर था, क्योंकि उसमें भी फ़्लिप कैमरा कुछ इस तरह का था, तो उसमें वहाँ पर आपको 2 कैमरा थे, बट आपको यहाँ पर Asus 7 Pro में 3 कैमरे दिए जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट फ़ोटो खींचेंगे, यानी कि पिक करेंगे। और अगर वीडियोग्राफी के लिए आप ये फ़ोन लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि इसकी जो कैमरे की क्वालिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और काफ़ी मस्त होगी। गाइस यार, अगर आप भी एक बढ़िया सा मोबाइल लेना चाहते हैं कैमरे वाला तो ये फ़ोन आपके लिए बेटर है, इसका वेट आपको ज़रूर करना चाहिए। अगला फ़ोन आता है Infinix 08। जी हाँ दोस्तों, Infinix भी भाई रेस में दौड़ा हुआ है, भले ये पीछे लेकिन दौड़ा हुआ है साथ में Realme और Redmi के साथ।
दोस्तों इन्फिनिक्स का जो अगला यानी कि ये वाला फोन है वो जब भाई मार्केट में आएगा ना तो एकदम से भाई तबाही मचा देगा, एकदम से बवाल मचा देगा। क्योंकि दोस्तों इन्फिनिक्स ने अभी तक जितने भी फोन लॉन्च किए हैं वो फोन अंडर 15 के ही आते हैं। अब दोस्तों ये फ़ोन 5G के साथ आएगा तो यहाँ पर मैं भी मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसकी प्राइस होगी वो होगी अंडर 20 के। सो गाइस यार अगर आपके जेब में भी 15,000 से 20,000 रुपए पड़े हुए हैं तो भाई रखे रहिए अभी एक महीने तक संभाल कर, क्योंकि आने वाले नवंबर में भाई ना एकदम से तबाही होगा, स्मार्टफोन की बौछार हो जाएगी। तो भाई आपका बजट अगर है तो भाई रखे रहिए, वेट कीजिए, आपके लिए यही बेटर होगा।